हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे औसत की यानी एवरेज के प्रश्नों की। और पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, पांच क्रमांकित संख्याओं का औसत 42 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों, ऐसे प्रश्न कभी भी आए आपको ना ही पेन इस्तेमाल करना है ना ही कॉपी, आप देख कर ही उसका आंसर बता देंगे। दोस्तों, ऐसी ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम जनरल मेथड की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सीधे ट्रिक बताएंगे आपको। और ट्रिक क्या है वो ट्रिक देख लीजिए। पांच क्रमांक संख्याओं का औसत 42 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों, तो संख्या ज्ञात करनी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। पाँच क्रमांक संख्या औसत 42 दे रखा है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें, जो औसत दे रखा है यानी एवरेज 42 उसे यहाँ लिख लीजिए। ये आपने 42 लिख लिया। पूछा गया पाँच क्रमांक संख्या, तो पांच क्रमांक संख्याओं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पांच बनाना पड़ेगा। पांच कैसे, ये 42 दे रखा है, पांच के लिए आप क्या करेंगे, क्रमांकित पूछा है तो दो इधर चलेंगे और दो ही इधर चलेंगे। 42 यानी कि जो औसत है उसे बीच में रखेंगे, दो इधर चलेंगे, दो इधर चलेंगे तो पाँच हो जाएगा, यानी कि 42 से आगे क्या चलेंगे आप, 43 और 44। दो चल लिए दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में और दो ही घटते हुए क्रम में चलेंगे, यानी कि 41 और यहाँ पर 40। ये हो गया दोस्तों, पांच क्रमांकित संख्या पूछी है तो पांच क्रमांकित संख्याएं हो गई, 40, 41, 42, 43, 44। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 40 सबसे छोटी संख्या है। पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 40 है सबसे छोटी। और सब 44 क्या है दोस्तों आपकी सबसे बड़ी संख्या। हो गया दोस्तों, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है, आप देख कर ही बता देंगे। सबसे छोटी संख्या पूछिए 40, सबसे बड़ी पूछिए 44। हो गया, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सात क्रमांकित सम संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न पहले की तरह है, लेकिन इसमें एक बात अलग है। पहले वाले प्रश्न में देखा था सिर्फ क्रमांकित था, यहाँ पर सम संख्याओं का औसत दे रखा है। पहले प्रश्न में क्रमांकित संख्याओं का औसत था, तो ये प्रश्न भी पहले की तरह ही सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, जो औसत दे रखा है वो बीच में लिख लेना है, यानी कि 44 लिख लिया। अब सात क्रमांक संख्या दे रखी है तो सात के लिए क्या करेंगे, तीन इधर चलेंगे और तीन इधर। लेकिन सम संख्या को दे रखा है तो सम ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 44 का सम आगे कितना होता है, 46, यानी कि दो संख्याओं का आएगा अंतर। और यहाँ पे भी कितना आएगा, 48 और यहाँ पर 50। तीन इधर चल लिए दोस्तों, तीन इधर चलेंगे तभी तो सात संख्याओं का होगा। तो यहाँ कितना आएगा, 42, यहाँ 40 और यहाँ पर 38 आ गया दोस्तों। एक दो तीन चार पाँच छः सात संख्याओं का पूछा तो सात संख्या यहाँ पर होगी, और सम का पूछा है तो यहाँ पे भी सम होगी सब। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी होगी, 38, ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी आपकी कौन सी होगी, 50 सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। औसत दे रखा, औसत ले लिया। सात क्रमांकित संख्याओं का पूछा है, क्रमांकित हैं दोस्तों तो कोई भी अंतर नहीं लेना है, सीधे 44 आएगा, 45, 46। अगर क्रमांकित दे रखा है, सम दे रखा है, तो जो सम संख्या अगली वही जाएगी, दो का गैप चलेगा उसमें, दो आ गई सबसे छोटी। और सबसे बड़ी संख्या निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पाँच विषम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में यदि हम देखें तो इसमें विषम संख्याओं का औसत दे रखा है, पहले वाले में सम संख्या का औसत था, और इसमें देखें तो गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। क्या करना है दोस्तों, औसत दे रखा है 27, तो वही करेंगे, 27 को बीच में रखना है, पांच विषम संख्याओं का दे रखा है तो दोस्तों इसमें भी अगली नेक्स्ट संख्या आने वाली विषम होगी, जैसे 27 के बाद 29, इसके बाद 31, पांच संख्याओं का दे रखा है तो दोस्तों दो इधर चलेंगे और दो इधर, यहाँ 25 और यहाँ पर 23। हो गया दोस्तों, यानी कि पांच संख्याएं हो गई है, और पांचों कौन सी हैं, विषम संख्याएं हैं, यानी कि 23, यानी जो संख्या दो से डिवाइड ना हो वो हमारी विषम संख्या होती हैं दोस्तों। तो ये दो से डिवाइड नहीं होंगी, और जो दो से डिवाइड हो जाती हैं वो हमारी सम संख्या होती हैं। ये नंबर सिस्टम के वीडियो में मैंने बताया है दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। तो जो हमारी संख्या दो से ना कटे वो विषम संख्याएं होती हैं, और पांच विषम संख्याओं का पूछा है तो एक दो तीन चार पाँच हो गई। इसमें पूछा है छोटी बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो ये हमारी छोटी संख्या है दोस्तों,
और ये बड़ी है, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 23 × 31 कर देंगे। 23 का मल्टीप्लाई किया 31 में, 23 एकम, 23 का 3 आ जाएगा 2 कैरी का, और 23 तीजा 69 और 2 कैरी का 71, यानी कि 713 आपका दोस्तों आंसर हो गया। छोटी संख्या और बड़ी संख्या गुणनफल पूछा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और आपका 713 आंसर हो गया। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दिया था सम संख्याओं का दोस्तों, वहाँ गुणनफल पूछा होता तो वहाँ भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल SSC कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।